सबसे महत्वपूर्ण रेखा जो आपके करियर और आपके रोजगार के बारे में बताती है, आपका रोजगार कैसा रहेगा, कितना बेहतर रहेगा, नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे, ये हाथ देख करके जाना जा सकता है। शनि पर्वत पर जो रेखा पाई जाती है या हाथ में जो रेखा ऊपर की तरफ उठती है, शनि पर्वत का मतलब मिडिल फिंगर, बीच वाली उंगली के नीचे जो रेखा है वो आपके रोजगार की रेखा है, या हाथ के बीच से कोई रेखा ऊपर की तरफ उठ रही है, ये भी आपके रोजगार के बारे में बताती है। हाथ में जिस पर्वत की स्थिति या जिस रेखा की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत होती है, वही रोजगार का क्षेत्र व्यक्ति का होता है। बृहस्पति का पर्वत मजबूत है, रेखा मजबूत है, आप टीचिंग में, लॉ में या फाइनेंस में जाएंगे। बुध का पर्वत मजबूत है, आप वाणी में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, इस तरह के क्षेत्र में जाएंगे। पर्वतों का उभार अगर कम हो और हाथों का रंग कम हो, यानी गुलाबीपन कम हो, हाथों में कालापन हो, पर्वत कम उभरे हुए हो, तो ये रोजगार में समस्या की सूचना है। जिन लोगों का करियर या रोजगार बढ़िया होता है, अगर आप उनकी हथेलियों को देखें तो नॉर्मली उनकी हथेलियां साफ रंग की होती हैं, हथेलियों का रंग हल्का गुलाबीपन लिए हुए होता है और हाथ के पर्वत बेहतर होते हैं। आपके हाथ को देख करके आपके स्वास्थ्य के बारे में भी अनुमान लगाया जा सकता है। जीवन रेखा से बुध पर्वत की तरफ जो रेखा जाती है वो स्वास्थ्य की रेखा है। जीवन रेखा से निकलकर बुध की तरफ जो रेखा जा रही है, जीवन रेखा से निकल के छोटी उंगली की तरफ जो रेखा बढ़ रही है, ये आपके स्वास्थ्य की रेखा है। जीवन रेखा की मोटाई, गहराई, लंबाई आपके स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारी दे सकती है। अगर जीवन रेखा पर या स्वास्थ्य रेखा पर वर्ग हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वर्ग होने से आपकी सुरक्षा होगी, आपकी आयु लंबी होगी और आप बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। लेकिन अगर जीवन रेखा पर तिल हो, अगर जीवन रेखा पर क्रॉस हो, तो ये सूचना अच्छी नहीं है और इसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं या आपकी सेहत में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।